शिवपुरी के माधव चौक चौराहे पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार निर्भया महिला थाना प्रभारी पूनम सविता ने ऑटो चालक को नशा मुक्त करने की शपथ दिलाई, जिसमें चार लोगों ने शराब ना पीने की शपथ ली और कसम खाई कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। और वहीं SW24 न्यूज के संवाददाता यूसुफ खान से चर्चा करते हुए महिला थाना प्रभारी ने बताया, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है, इसमें घर द्वार उजड़ जाता है, इसलिए आज हमने माधो चौक पर नशा मुक्ति अभियान चलाया। और महिला थाना प्रभारी ने कहा, शहर के हर एक नाके पर ये नशा मुक्ति अभियान नियंत्रण जारी रखेंगे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। कर सकते हो, दो पैसे कर रहे हो, बच्चों को लाना काम में आ रहा है। एक बात, 7 दिन नहीं किए, 7 दिन के बाद उसके बाद 7 दिन आपको दोनों का असर लग सकता है। ऑटोमेटिक चेहरे पे रौनक आ जाएगी। आपने देखा होगा 7 दिन जब हम दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं तुरंत 8 बजे क्या सोच के आपने लिया है? शुरू से तीन आज लग गया, 2 तारीख को समय लग गई, अब ये छूट नहीं पा रही, नहीं पा रही। बच्चे हैं 3, बच्चे बराबर के हुए, 3 बहू है घर में ना। आज जो आपके द्वारा कार्यक्रम किया गया है, किस प्रकार का क्या कार्यक्रम था? अभी जो एक हफ्ते में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय निर्देशन में एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में हमको पुलिस फोर्स के माध्यम से जनता जो शिवपुरी में रह रही है उनको इस चीज़ का अवगत कराना है, इस चीज़ के लिए जागरूक करना है कि कहीं ना कहीं नशा हमारे परिवार को, उनके परिवार में रहने वाले बच्चे को, उनके परिवार में उनकी पत्नियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि नशे से मात्र शरीर की ही अंग खराब नहीं होते, सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति, सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब होती है वो उनके साथ रहने वाले परिवार की मानसिक स्थिति खराब होती है, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है। अंग तो खराब होना एक बात का मैटर है, लेकिन इससे पहले उनका जो परिवार है वो तार जिंदगी तक बचता है। हमारा प्रयास हमारे फोर्स के जरिए, हमारे उनको जो निर्देश मिल रहे हैं उनके जरिए, हम केवल एक कदम उनके बच्चों की तरफ से, उनकी पत्नियों की तरफ से एक संदेश उनके पति को दे रहे हैं, कृपया करके जो नशा है, जो किसी भी तरीके का नशा है उसको बंद करें। अगर बंद ना भी कर रहे हैं तो कम से कम उसको एक अपने अंदर एक कोशिश करें कि हम इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास तो अगर हम करते हैं तो प्रयास सफल जरूर होता है। कहते हैं कि कोई भी काम असंभव नहीं होता है, तो यही हमारा एक प्रयास है। अगर आज 4 लोगों ने हमारे कहने पर शराब छोड़ी है, वो कहीं ना कहीं मेरे कहने पर नहीं, उन्होंने अपने परिवार को, अपने बच्चों को देखते हुए वो शराब छोड़ी है। उन 4 लोगों का मेरे पास नाम है, तो उनको फॉलो करूँगी और यही कामना करती हूँ कि उन्होंने आज जो प्रण लिया है वो उस प्रण को पूरा करने में सफल हो। जय हिंद। साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करती हूँ कि नशा जैसे शराब गांजा भांग हफीम एक सामाजिक अभिशाप है जो हमारे पारिवारिक जीवन आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय चरित्र का हास कर रहा है। मैं शपथ लेकर यह वचन देती हूँ कि मैं स्वयं कभी भी जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगी तथा पुनः संकल्प को समाज के उन समस्त क्षेत्रों में प्रसारित एवं सामाजिक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।